हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल लाइव वीडियो में आप सभी के डाउट्स मैंने बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर करने का प्रयास किया है। कुछ लोग का डाउट्स कल छूट गया क्योंकि मेरे लाइव के बाद उन्होंने किया होगा कमेंट, तो कोई बात नहीं, फिर अगले संडे को मैं लाइव आऊँगा तो फिर उसमें डाउट्स देखेंगे। अभी आज का टारगेट मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए और बढ़िया से आज थोड़ा सा टारगेट का डोज आपका बढ़ने वाला है और आपका पढ़ने का जो टाइमिंग है वो भी आप बढ़ा लो और मेहनत करने का जो आपका रेशियो है वो भी थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। तो आज के टारगेट में हम थोड़ा सा बूस्ट करेंगे सिलेबस के टॉपिक्स को और क्वेश्चंस की मात्रा को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप टारगेट को डेली अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। कुछ दोस्त का कमेंट था कि भैया आप सामने से पढ़ाओ, तो भाई मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, मैं बोर्ड ऑर्डर कर चुका हूँ। अभी एक हफ्ते में अगर बोर्ड आ जाता है तो मैं नेक्स्ट टाइम से बोर्ड पे ही बताऊंगा सिलेबस को, पूरे टारगेट को भी बताऊंगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग में, जीके में, वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी पीपीटी पे मैं बना देता हूँ फ़ोन पे, मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं है तो उसके लिए चिंता नहीं होना है। आप टारगेट को फॉलो करो, इस वीडियो को देखो, बोर्ड पर देखने के बाद फिर कुछ एडिशनल ऐड करेंगे। और बाकी एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपके लिए कि 100 डे चैलेंज जब ख़त्म होता है उसके बाद आप रेडी हो जाते हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज के लिए। उसके बाद सीरियस स्टूडेंट जो है आप पूरे मॉक टेस्ट रिवीजन ये दोनों पे ही ध्यान देंगे। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी CBT 1 कब होगा क्या होगा कुछ नहीं, अभी आपको सिलेबस निपटाने पे ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर ध्यान देना है। दोस्तों आज है आपका टारगेट डे 3, तो टारगेट डे 3 में आपका थोड़ा सा मैंने टारगेट बढ़ाया है क्योंकि दो दिन से हल्का चल रहा था। तो सबसे पहले हम अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, अगला चैप्टर LCM एंड HCF जो है उसके जो आदित्य रंजन सर का मैं दे रहा हूँ या फिर जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी आपके पास नोट्स है, उसके अंदर थ्योरी को पूरा कंप्लीट करना है। थ्योरी को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके टाइप 1 जो क्वेश्चन है आपका, टाइप 1 किरण प्रकाशन का, वो टाइप 1 क्वेश्चन 123 के करीब में है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है। और उसके बाद 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना है और रिवीजन करना है या याद करना है कुछ भी। तो मैथ में आज का टारगेट यही है LCM HCF। अब आप सोचेंगे कि भैया ये डिजिटल सम के बाद डायरेक्ट LCM HCF, तो मैं उस ऑर्डर में ले जा रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपको आगे के चैप्टर्स आसान लगने लगेंगे, इसलिए मैंने ऐसा सीक्वेंस बनाया है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर जैसे किताब में दिया है वैसे ही फॉलो करो, आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा लेकिन सीक्वेंस में ले जाके, ठीक है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, पहले तो टाइप एनालॉजी का जो टाइप 1 है वो तो कम्प्लीट हो गया था, तो टाइप टू में थोड़े सवाल अच्छे हैं और टाइप 3 को भी सॉल्व कर लेना है। टाइप 3 में ज़्यादा सवाल नहीं है, 10-20 सवाल होंगे और उसके साथ साथ टाइप 4 को भी सवाल को सॉल्व कर लेना है। इस प्रकार आपका एनालॉजी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं स्पेशल PDF डाउनलोड करके आपको भेजूंगा, उसको एडिशनल तरीके से बनाना है। तो आपको रीजनिंग में यही 3 काम करना है, टाइप 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम लोग GK GS में कि GK GS में आपको क्या करना है, तो GK GS में अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोग ने सिंधु पढ़ लिया था पूरा और ज्योग्राफी में आपका ब्रह्मांड ख़त्म हो गया था, ठीक है। और उधर पॉलिटी में आपके 1909 के भारत शासन अधिनियम मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का तक ख़त्म कर दिया था। अभी हिस्ट्री में क्या करना है, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदी में बोले तो वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अगर ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपको ब्रह्मांड खत्म हो गया था तो अभी पढ़ना है सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, ठीक है दोस्तों। सौरमंडल को पढ़ने के बाद उसके नीचे पिंड का बात दिया गया, तो हम ग्रहों को बाद में पढ़ेंगे पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है, अभी आपको ये काम कर लेना है। इसके बाद हम अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपका जो एक्ट है वो 1909 तक ख़त्म हो गया था, अभी आपको पढ़ना है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, इंडिया एक्ट पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। दूसरा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद एक और पॉइंट आएगा 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक है ना। तो ये 3 नोट को कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा भारतीय संविधान का जो
प्रारूप है या पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का जो रूल्स नियम है, एक्ट है, चार्टर्स है, वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम भारतीय संविधान में एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, एनसीईआरटी के 9th क्लास की साइंस का 9th, तो इसमें से आपको चैप्टर 2 पढ़ना है, रीडिंग करना है और मार्क करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। चैप्टर 1 उस दिन ख़त्म कराया था, अब चैप्टर 2 करना है। और इसके साथ साथ आपको डेली का डेली टारगेट को ख़त्म करना है, कंप्लीट करने के बाद ही आपको डाउट क्लास में, डाउट ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है। प्लस ट्यूब डाउट में आपको मैसेज करना है। टेलीग्राम चैनल बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और बोल रहे हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल में ही आपको डाउट ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन करेंगे तो डाउट ग्रुप भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और विशेष कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मैं जब फ्री होता हूँ तो आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। फेसबुक पर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कहीं भी आप DM करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। बाकी टेलीग्राम में तो आपके मैक्सिमम डाउट जो होते हैं वो सॉल्व हो ही जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स से पढ़िए। बाकी मैं बुक्स आपको दिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारे बुक्स को अभी रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और टेस्ट लेने के बाद जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, उनके पास ये बुक ज़रूर रिव्यू करूँगा और पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, आपका टारगेट आज का कम्प्लीट हो जाए।